हेलो बच्चों, क्लास टेंथ हिंदी मीडियम। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल सवाल नंबर अपन 9 तक किए थे, आज सवाल नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 से किए। कहता है दर्शाइए कि A1 A2 डैश डैश EN से AP बनती है। यदि नीचे आपको अगर EN हम दे देते हैं, मतलब आपको EN की वैल्यू भी दे रखी है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना आपको। तो आपको इसमें जो पहले 15 पद है उनका योग ज्ञात करना, मतलब SN वाला फार्मूला लगाना है आपको। और आपको AN दे रखा है 3+4, तो S15 निकालने के लिए A और D आपको चाहिए। तो आप पहले मान लो, माना एन बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 डैश डैश एन तक आप जा सकते हो। तो पहले एन बराबर 1 रखा, तो A1 3 प्लस एन की जगह 1 रखा, 3+4 7 आ गया। फिर 2 रखा, तो ये आएगा 3+4 × 2 8, ये आपका 11 आ गया। फिर n बराबर 3 रखा, 3+4 × 3 4 3 12 3 15, तो 3 पद वो बदल गए। तो इस प्रकार जो AP बनी है आपकी, ठीक है बेटा, 7 11 15 डैश डैश, तो आपका A का मान आ गया 7, D का मान आ गया A2 - A1, 11 - 7 कितना आ जाएगा 5, और n की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? SN वाला, क्योंकि योग के लिए इसी फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो सारी वैल्यू है आपके पास, n है, a है, d है, तो इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा। तो ये बेटा पार्ट नंबर 1 और दूसरा पार्ट भी इसी के जैसा है। आगे बेटा सवाल नंबर 11 को ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग आपको दे दिया, अब यार जैसे ये एन दे रखा था वैसे आपको योग एसएन दे रखा है, तो आपको इसका प्रथम पद क्या है ये ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और एनवे पद को ज्ञात करना है। देखो आप कैसे ये चीज ज्ञात कर सकते हो, आपको एन पदों का योग दे रखा, मतलब आपको एसएन दे रखा है, 4n - n2, और आपको इसमें काफी सारी चीज पूछ ली। पहला पद पूछ लिया, फिर 2 पदों का योग पूछ लिया, फिर दूसरा पद पूछ लिया, फिर तीसरा 10वां nवे पद को ज्ञात करना इस तरह पूछ लिया, और sn आपको दे रखा है। तो बेटा डायरेक्ट sn से en निकालने का एक फार्मूला होता है, an बराबर sn sn - 1। आपके लिए फार्मूला बिल्कुल नया है ये फार्मूला बेटा, इकलौते इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो मैं आपको ज्यादा इसकी डिटेल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है काम, मुश्किल हो जाता है सारी को सीखना। बस एक सिंगल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो बेटा अगर आप sn an अगर आपके पास है और आप an निकालना चाहते हो, तो sn में से sn - 1 कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो an आएगा, और an आने के बाद आप सारा कुछ निकाल सकते हैं। वो देखो कैसे, तो sn की ये वैल्यू पड़ी, और रही बात sn - 1, तो जहां n आ रहा वहां n - 1 कर दो। ओके बेटा, तो पहले इसने बोला sn, तो sn तो डायरेक्ट यही आ गया, -sn - 1, जहां n आ रहा वहां n - 1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व ना करो, इसको सॉल्व करोगे आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे पिछले सवाल में आपके पास an था, आपने क्या किया, n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, एक ap बना ली थी, उसके बाद सारा काम हो गया था, तो वही काम यहां पर करो। तो n 1 2 3 4 डेस्ट माना, तो माना n बराबर सबसे पहले 1 लिया, तो a1 आपका आ गया 4, एकम 4 ही हो गया, सीधा लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर 1, यहां 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया 0, -1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 4 में से 1 गया 3, ये 0 हो गया, ये भी 0, तो ये आपका 3 आ गया। इसी तरह n की जगह 2 रखो, ये a2 हो गया, तो यहां डायरेक्ट देखना
दो रखूंगा चार दो नहीं आठ हो गया, माइनस दो का स्क्वायर चार होता है, यहाँ दो रखूंगा दो में से गया एक, एक की चार से गुना चार, दो रखा दो में से गया एक, एक का स्क्वायर एक हो गया, तो आठ में से चार गया चार, चार में से गया तीन, तो ये आपका एक आ गया। इसी तरह n बराबर तीन रखा, क्योंकि कम से कम तीन पद तो जरूरी है बेटा, ध्यान से देखना, तीन रखा चार थी 12, तीन का स्क्वायर 9, यहाँ तीन रखा तीन में से गया दो, दो चौके आठ, तीन में से गया दो, दो का स्क्वायर चार, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, तो क्या आ गया माइनस एक। तो इस प्रकार हमारी एपी बन गई है। तो इस प्रकार जो एपी है वो पहला पद आपका आया है 3, दूसरा पद आया है 1, तीसरा है माइनस एक डैश डैश। तो इसने जो जो सवाल पूछे आप बता सकते हो। पहला पूछा इसने कि इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका आ गया A3, पहले सवाल का आंसर तो आ गया। फिर इसने पूछा प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, तो बेटा एसएन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सा समझ आता है, पहले दो का योग, तो ये रहा पहला ये रहा दूसरा, तो दोनों का योग ज्ञात किया कितना आ गया चार। फिर इसने पूछा दूसरा पद, तो दूसरा पद सीधा देखे बता दो भी क्या है, दूसरे पद को ए टू बोलेंगे, क्या है एक है। फिर इसने पूछा तीसरा पद, तो तीसरा पद भी तो दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह ना निकालो तो फार्मूला आप जानते हो ए प्लस टू डी वाला, और डी की वैल्यू यहां से निकाल लो, एक में से तीन जाएगा माइनस दो, ए की वैल्यू तीन आप फार्मूले में रख दो। इसी तरह बोला दसवां, तो दसवां ए प्लस नौ डी हो जाएगा, आगे पूछा एनवा, तो ए एन जो आप फार्मूला जानते हो। ओके बेटा, तो देखने में सवाल अजीब सा लगेगा आपको, पर अगर आप डिटेल से ध्यान से इसको करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 12, 13 और 14, कई बार बेटा इन तीनों में से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखोगे। कहते हैं एपी के प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से भाग होने वाले धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या, तो 6 से भाग होने वाली पहली संख्या, 6 से भाग होने वाली पहली पहला धन पूर्णांक तो 6 ही हो गया, इसके बाद दूसरा 12, तीसरा 18, अब इसने पूछा 40 तक, तो 40वां, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहला है तो 6 कम 6 था, दूसरा है तो 6 दुनी 12 है, तो ये 40वां है, तो 6 गुणा 40 आपका आ गया 240। ठीक है बेटा, तो एपी बना लो, एपी जो है आपकी आ गई 6, 12, 18 डैश डैश 240, आपको ये 40 तक आ गया, इनका योग ज्ञात करना है। तो इस तरह का सवाल आपने सवाल नंबर 2 किया होता, तो पहले एस एन जब भी लगता है हमारे पास एन होना जरूरी है, तो यहाँ ठीक अंदाजा है ये 40वां है, आप कह सकते हो एन 40 है और यूज कर सकते हो, पर फिर भी मैं कहता हूँ एक बार आप निकाल लेना है, और निकालने के लिए पहले ए एन वाला फार्मूला यूज कर लो, ए 6 आ गया, डी ए 2 माइनस ए 1 12 माइनस 6 6 आ गया, और ए एन आपका 240 है, तो पहले ए एन वाला फार्मूला, तो ए एन आपका 240, ए 6 एन तो है ही नहीं, उसी को निकालने के लिए कर रहे हैं, और डी 6 तो प्लस का 6 दरा के माइनस का 6 हो गया, 240 माइनस 6 एन माइनस 1 बड़ा 6 234, एन माइनस 1 मल्टी वाला 6 डिवाइड में आ गया, तो ये 39 पे कटेगा, और माइनस का एक दरा के प्लस का, तो एन बराबर क्या आ गया 40। वैसे हमें पहले ही पता था 40 आना, फिर भी आप इस तरह करोगे तो कई बार ये 6 में आए तो भी ठीक है, और 4 में तो भी ठीक है। अब आगे 40 पदों का योग ज्ञात करना है, तो कौन सा फार्मूला, एस एन, और कैसे लगाया जाता है, ए की वैल्यू है आपके पास, डी की वैल्यू है आपके पास, और एन की वैल्यू है आपके पास, तो आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, इसी तरह अगला बेटा
आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही बात बेटा, विभाज्य गुणज एक ही चीज होती है, पहले बात की थी। तो आठ का पहला गुणज 8 × 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, डैश डैश 15वां 120 हो जाएगा। आगे सेम का सेम यही काम बेटा, गुणज और जो विभाज्य होता है वो एक ही बात है। मल्टीपल और डिवाइड, जो डिवाइड डिवाइडेंट होता है, जो डिवाइजर होता है, वो एक ही चीज है। सवाल नंबर 14 कई बार पेपर में बना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सवाल ऐसा ही बेटा, तो 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या, तो 1 हो गई, दूसरी 3 हो जाएगी, तीसरी 5 हो जाएगी, करते करते कौन सी पूछी थी, अंतिम कहेंगे इसको, क्योंकि हमें ये पता नहीं कौन सी होगी, अंतिम 49 होगी। ठीक है बेटा, तो इससे बनने वाली जो एपी होगी वो 1 3 5 डैश डैश 49। आगे कैसे होता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 15 और 16 देखिए, कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का एक प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये है, अगले दिन के लिए 250 है, उससे अगले तीसरे दिन के लिए 300 है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में राशि कितनी अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है। बेटा नॉर्मल सी बात है, इसी तरह का सवाल है। पहले दिन अगर वो लेट करेगा, मैं सीधा ही बता रहा हूँ बेटा, आप वो डिटेल लिख लेना, कार्य को 1 दिन विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना, इस तरह लिखना। आपको दोबारा बोल देता हूँ मैं, कार्य को 1 दिन देरी से पूरा करने के लिए जुर्माना, ठीक है, 200 रुपये। 2 दिन देरी से पूरा करने के लिए जुर्माना 250 हो जाएगा, 50 50 रुपये बढ़ता जाएगा, ये 250 हो गया, अगला 300 हो गया, डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक एपी बनती नजर आएगी आपको, 200 250 300 डैश डैश। ओके बेटा, तो ए की वैल्यू आ गई 200, बी की वैल्यू 50, और इसने कह दिया अगर 30 दिन तक ये काम चले तो एन बराबर 30। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, सारा पैसा निकाल के लाना है कि उसको कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, तो SN वाला फार्मूला। और कौन सा फार्मूला होता है आपको पता ही है। ये बेटा आपको अपने आप करने के लिए सवाल मैंने दिया था, और लगा कि आपको थोड़ी बहुत इसमें बता दूं, तो इसलिए मैंने ये बात जो आपको बतानी जरूरी समझी वो बता दी है। ओके बेटा, इसके बाद सवाल नंबर 16 और अंतिम सवाल है आज का, कहते हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये अगर कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या कोई स्कूल में कंपटीशन हुआ, वो 7 नगद इनाम हमें दे रहे हैं, और सारा जो पैसा है वो उन नगद इनामों में जो लगा है वो 700 रुपये है, और हर बार क्या हो रहा है कि जो पहले फर्स्ट है उसके बाद जो सेकंड हो उससे 20 कम है, थर्ड है उससे 20 कम है, फोर्थ है वो उससे 20 कम है, इस हिसाब से आपको बता रखा है। तो हमें याद करना है कि प्रत्येक कितना है। तो देखो जो नगद पुरस्कार है वो 7 है, तो यहाँ एन आपका 7 हो गया। आपको भी समझ तो नहीं आएगा सर एन 7 कैसे हुआ, वो आपको बाद में पता चलेगा। और जो कुल राशि है वो SN, कुल तो आपको पता ही है, ठीक है, और यहाँ जो सारव अंतर है वो -20 है। बहुत सी बातें आपको पता नहीं चली। देखो कैसे, पहला मान लो पुरस्कार 100 रुपये है, अगला 80 है, इसने कहा ना ठीक पहले के बाद जो फर्स्ट है उसके बाद सेकंड का 20 का फर्क है, 20 कम है उसके बाद इसका 20 का फर्क है, समझ आ गई बात। तो आप अगर इससे डी निकालने जाओगे तो 80 में से सो जाएगा, -20 नहीं आएगा क्या, तो इस हिसाब से मैंने अंदाजा बताया है, डी -20 आ गया।
कुल जो पैसा है वो 700, और कुल जो पुरस्कार है वो 7 है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे तो मान लो यहाँ 7 हो गए। तो ये संख्या है, ये ट्रम है, ये पद है, इन्हीं को तो एन बोला जाता है। तो एन बराबर 7 हो गया। ओके बेटा, तो अब आगे कैसे करना है बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो भी चीज हो उस तरह का ही फार्मूला लगाना होता है, एस एन हो तो एस एन लगा लो, ए एन हो तो ए एन निकालो। और निकालना क्या है, इन सारों का मान ज्ञात करना है। अगर आपके पास 16 करोगे तो देखो एस एन है, डी है, एन है, तो 16 करोगे ए आ जाएगा। अब ए आ गया तो अब इसने कहा कि सारे पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस बी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D और ए प्लस 6D। ओके बेटा, तो इनको आप ज्ञात कर लेना, ठीक है। बाद में जब इसको सोल्व करोगे ना एस एन वाले फार्मूले से, एन बटा 2 2 ए प्लस एन माइनस 1D, तो सोल्व करोगे तो एन निकल आएगा। और अगर एन निकल आया तो सॉरी एन तो है आपके पास, ए निकल आएगा। और ए अगर आ गया, डी आपके पास है, तो ये सातों के सातों के पुरस्कार निकल जाएंगे। ओके बेटा, तो आज ये सवाल आपको सवाल नंबर 10 से लेके 16 तक घर से करने हैं, ठीक है बेटा।